हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपको अपकमिंग आईपीओ ब्रुकफील्ड रीट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इस वीडियो में हम देखेंगे रेट्स क्या होता है, इस कंपनी के बैकग्राउंड क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है एंड इस कंपनी के क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या कंसर्न्स हैं एंड हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि क्या इसमें आपको लिस्टिंग गेंस मिल सकते हैं या नहीं। सो हम समझते हैं कि रीट होता क्या है। रीट एक रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनती है जिसके अंदर ये उन प्रॉपर्टीज को एक्वायर करते हैं जिसको ये रेंट पे देते हैं, जिससे ये रेंट्स कमाते हैं एंड देन वो रेंट को इंटरेस्ट और डिविडेंड के फॉर्म में अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं। आपने अगर रीट में इन्वेस्ट करा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने रियल इस्टेट प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करा है। सो हम स्टार्ट करते हैं रीट्स की डिटेल से। ये रीट्स स्टार्ट होगा 3rd of February को एंड एंड होगा 5th of February 2021 को। इस रीट में आप 200 के मल्टीपल्स में अप्लाई कर सकते हैं। इस रीट का प्राइस बैंड है 274 rupees to 275 rupees। इस रीट का ओवरऑल आईपीओ साइज है 3,800 crore rupees। इसमें कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कंपनी 3,500 odd crores का अपना डेब्ट का रिपेमेंट करना चाहती है। सो हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की। कंपनी के पास 4 बिजनेस ऑफिस पार्क्स हैं जो कि नोएडा, गुड़गांव, मुंबई एंड कोलकाता के अंदर सिचुएटेड हैं। कंपनी का इनिशियल पोर्टफोलियो साइज 14 मिलियन स्क्वायर फीट का है जिसमें से 10.3 मिलियन स्क्वायर फीट कंप्लीटेड एरिया है एंड बाकी अंडर डेवलपमेंट और अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है। सो हम बात करते हैं रीट के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। ये कंपनी का 75% जो रेवेन्यू आता है वो मल्टीनेशनल कंपनीज से आता है जैसे कि RBS, एसेंचर एंड बार्कलेस। इस कंपनी का इस समय जो ऑक्यूपेंसी रेशियो है वो है 87% जो कि बहुत एक अच्छा ऑक्यूपेंसी रेशियो है। रीट के पास शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए मार्क टू मार्केट 36% का है जो कि बहुत अच्छा मार्क टू मार्केट है। सो हम बात करते हैं रीट के कंसर्न्स पे। रीट का सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसर्न है वो ये है कि वर्क फ्रॉम होम के कारण वैकेंसी लेवल्स कुछ बढ़ गए हैं एंड उसके साथ साथ ही ओवरऑल डिमांड में भी बहुत ज्यादा स्लो डाउन आया है। इस रीट का 42% जो रेवेन्यू आता है वो आता है गुड़गांव मार्केट से। गुड़गांव मार्केट हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है जिसके अंदर रेंट इंक्रीज करना बहुत डिफिकल्ट होगा कंपनी को इन नियर शॉर्ट टर्म। तो हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। FY 2020 में कंपनी ने 957 करोड़ का रेवेन्यू बुक करा था और कंपनी का नेगेटिव इबिटा 96 करोड़ का था। सो हम आते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस पर एंड इसमें क्या आपको लिस्टिंग गेंस मिल सकते हैं या नहीं। रीट ने FY 2020 में हैवी फाइनेंस कॉस्ट के कारण लॉस इनकर करा था एंड कोई भी डिविडेंड भी नहीं दिए थे। FY 2023 के अंदर इस रीट की एक्सपेक्टेड यील्ड 7.5% है जो कि इसके कंपैरिजन में इसके पीयर से बहुत कम है। कंपनी के पास अभी 7,000 ऑड करोड़ का डेब्ट है जो कि बहुत ज़्यादा है। इन सब पॉजिटिव्स और इन्वेस्टमेंट कंसर्न्स को देखते हुए हमने इस आईपीओ पे न्यूट्रल रेटिंग दी है। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.